जी हाँ दोस्तों, कनिका कपूर ने किया बड़ा खुलासा। तो बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर गायिका कनिका कपूर के बारे में। आपको बताया दोस्तों कि बीते दिनों इनको लेकर काफ़ी चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई थी कि लंदन से आने के बाद इनमें कोरोना वायरस आ गया था, और यह बात सच भी थी क्योंकि इनको काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रखा गया था इस बात को लेकर, क्योंकि इनको इनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ऐसे में इनको कोरोना वायरस के चलते जितने भी लोग इनके संपर्क में आए थे उन लोगों को भी क्वारंटाइन कर लिया गया था। लेकिन इन पर कई बड़े आरोप ऐसे लगाए गए थे कि कनिका कपूर ने जानबूझ के पार्टी करी थी जिसके चलते और लोगों के बीच में कोरोना वायरस फैल गया, और साथ ही साथ जब ये लंदन से आई थी तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं गई थी, यानी कि इनकी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुई थी, और साथ ही साथ ये क्वारंटाइन होने से भी मना कर दिया था। ऐसे में इन्हीं सब दावों को ये गलत करती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कनिका कपूर को कोरोना वायरस से मुक्त कर दिया गया, यानी कनिका कपूर कोरोना वायरस से मुक्त हो गई, और ऐसे में ये सही मौके का इंतज़ार कर रही थी कब अपने झूठे आरोपों को सच में बदलते हुए दिखाई दे, यानी कि उन पर सच्चाई और सफाई पेश करती हुई दिखाई दे। ऐसे में कनिका कपूर का एक मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें ये इन दावों को खारिज करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें ये लिखती हैं कि मैं जानती हूँ कि मेरे बारे में कई कहानियाँ बनाई गई हैं, इनमें से ज़्यादातर कहानियाँ इसलिए बनी क्योंकि मैं अब तक चुप थी, लेकिन मैं इसलिए चुप नहीं थी क्योंकि मैं गलत थी। मैं बस इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि लोगों तक सच्चाई अपने आप पहुँचे। आपको बताया दोस्तों, कनिका कपूर का ये मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और उसमें साथ साथ लिखती हैं कि मुझे पता है कि लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाई गई है। मैं अपने परिवार वालों को और अपने रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जो इस मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ थे। ऐसे में इन्होंने लिखा कि मैं अभी लखनऊ में अपने माता पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई दिखाई दे रही हूं, और साथ ही साथ लंदन, मुंबई या लखनऊ में जिन लोगों को मेरे संपर्क में आए थे, यानी कि इन्होंने एक बात साफ कर दी है कि लंदन, मुंबई और जितनी जगह गई थी जो भी लोग इनके संपर्क में आए थे उन सभी की रिपोर्ट कोरोना वायरस को लेकर नेगेटिव आई थी। यानी कि इतनी बड़ी मीडिया ने सबने ये झूठा दावा पेश किया था कि कनिका कपूर के संपर्क में जितने लोग आए हैं उन सबों के बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस हो गया है। तो कनिका कपूर ने इस बात की पुष्टि की है कि वह सब दावे खारिज थे, यानी कि वह सारे दावे गलत थे, और साथ साथ इन्होंने बताया कि सभी की कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। और साथ साथ लिखती है कि मैं 10 मार्च को लंदन में भारत वापस लौटी थी, यहाँ आते ही एयरपोर्ट पर मेरी स्क्रीनिंग भी की गई थी, उस समय तक ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी कि लंदन से वापस आने के बाद मुझे खुद को क्वारंटाइन रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, शुरुआत में जब कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा था तो ऐसे में कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी सरकार द्वारा कि कोई व्यक्ति अगर बाहर देश से आता है तो उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बस स्क्रीनिंग होती थी, अगर ऐसे में स्क्रीनिंग में उनकी रिपोर्ट सही आती थी तो उनको आगे जाने दिया जाता था, क्वारंटाइन नहीं रखा जाता। लेकिन अब 14 दिनों का क्वारंटाइन मिलता है अगर कोई व्यक्ति कहीं भी जाता है या आता है। आपको बताया दोस्तों कि 10 मार्च को लखनऊ के एक कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी देते हुए गायिका ने लिखा है कि लंदन से वापस आने के बाद मैं 11 मार्च को अपने परिवार से मिलने लखनऊ गई, लेकिन उस समय तक घरेलू उड़ानों में स्क्रीनिंग की कोई सुविधा नहीं थी, यानी कि जो देश के अंदर एरोप्लेन उड़ते हैं, यानी कि जो देश के अंदर एयरपोर्ट है उनमें कोई स्क्रीनिंग की सुविधा नहीं थी, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए कोई स्क्रीनिंग की सुविधा थी नहीं। तो ऐसे में जैसे जैसे कोरोना वायरस इनको अपनी चपेट में ले रहा था, इनको इस बात का पता ही नहीं चल पाया और ना ही किसी और व्यक्ति को पता चल पाया। साथ साथ आपको बताया दोस्तों कि 14-15 मार्च को मैंने अपने दोस्तों के साथ लंच और डिनर भी किया, ये बताती हैं, लेकिन यह बात गलत है कि मैंने कोई पार्टी होस्ट की थी, यानी कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने कोई पार्टी होस्ट की है जहाँ पर इनकी सफलताओं को लेकर पार्टी होस्ट की गई थी जिसके चलते कोरोना वायरस तेज़ी से लोगों के बीच में पहुँचा, तो इस दावे को खारिज करती हुई दिखाई दी है कनिका कपूर। इन्होंने ये मैसेज सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट किया और साथ साथ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है क्योंकि अभी तक कनिका कपूर पर काफ़ी सारे झूठे दावे लगे थे। तो ऐसे में कनिका कपूर की ये बात सबके बीच में ये बताती हुई दिखाई दे रही है कि कनिका कपूर गलत नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सब पढ़ने के बाद सुनने के बाद यही लगता है कनिका कपूर की गलती नहीं है, क्योंकि जब कोरोना वायरस अपने चरम पे था, यानी जब इसका शुरुआती दौर था, तो ऐसे में किसी व्यक्ति को इस बात का नहीं पता चल पाया कि इससे कैसे बचा जा सके। जब देश बाहरी देश से कोई व्यक्ति आ रहा था तो बस उसकी स्क्रीनिंग होती थी, ना कि क्वारंटाइन रखा जाता था। लेकिन अब कोई अगर एक व्यक्ति दूसरे राज्य तक भी जाता है तो उसको 14 दिन का क्वारंटाइन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग खबरों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।